जय हिंद जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सेल्फ डिफेंस एकेडमी में। तो काफ़ी जनों के मतलब हमारे पास कमेंट्स आए थे कि 2018 का विश्राम स्थली के अंदर जो सेना भर्ती आयोजित हुई थी, तो उस समय का अगर आपके पास कोई वीडियो या फिर कोई फोटोज़ वगैरह हो तो उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जिसके अंदर कायड़ विश्राम स्थली के अंदर जो ग्राउंड पिछली बार बनाया गया था तो वो किस तरह बनाया गया था और उसका किस तरह जो लुकिंग था तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे। तो ठीक है भाई, ये 2018 के अंदर जो भर्ती सेना भर्ती हुई थी जब कायड के अंदर, उस समय का ग्राउंड का निर्माण होते समय का वीडियो है, काफ़ी पुराना है दोस्तों। मैंने अपने चैनल पर अभी जो इस समय जो कंडीशन है ग्राउंड की उसका वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो देख लेना कि अभी किस प्रकार से ग्राउंड की जो सिचुएशन है वो लाइव वीडियो मैंने उसमें डाल रखी है। और ये 2018 की जो है ग्राउंड की वीडियो है, ठीक है। तो और रही दूसरी बात, काफ़ी मतलब लड़कों के कमेंट्स थे कि मतलब कि ये ग्राउंड कितने मीटर का है, कितना बड़ा है, क्या है, काफ़ी मतलब इसके बारे में पूछा गया था। तो मैं कहना चाहता हूँ भाइयों, ये कोई बड़ा ज़्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है, फिक्स 400 मीटर ही बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि इस ग्राउंड पे कभी जब भर्ती होने के बाद के अंदर पश्चात तो काफ़ी लड़कों ने तैयारी भी की है ग्राउंड पे, ठीक है। तो आप ये वीडियो देखो लास्ट तक, आपको सब समझ में आ जाएगा कितने मीटर का है, क्या चौड़ाई रही थी इसकी उस समय के अंदर, उस भर्ती के अंदर इसका किस प्रकार से इसका पूरा मैन्युफैक्चर होता। उसके अलावा मैं आपको इसके अगली वीडियो के अंदर कुछ फ़ोटोज़ प्रोवाइड कराऊंगा जो बच्चों की तैयारी करते समय की वो है फ़ोटोज़, और कुछ वीडियोज़ है जो भर्ती होने के बाद के अंदर बच्चे इस पे काफ़ी लंबे समय तक तैयारी किए कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए।